ओके, तो सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 में आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन ऑलरेडी हम लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि नेफ्रॉन क्या चीज़ है। ये किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, मींस किडनी का जो रोल है वो नेफ्रॉन ही अदा करते हैं। आज टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, ये एक किडनी है और इस किडनी का जो आउटर पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स, अंदर का जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज मेडुला। अगर हम इस जगह को थोड़ा सा जूम करके काट के देख लें तो आपको यहाँ पे आना होगा, यहाँ पर आप गौर से देख सकते हैं अभी भी यहाँ पर आउटर रीजन कॉर्टेक्स है और निचला हिस्सा जो है वो मेडुला है, तो डीप है और ये आउटर रीजन है। यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर एक नेफ्रॉन जो है वो छोटे साइज का है, सिर्फ और सिर्फ कॉर्टेक्स के रीजन तक महदूद है। तो वो नेफ्रॉन जो सिर्फ कॉर्टेक्स में मौजूद है दे आर कॉल्ड एज कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और एक ऐसा नेफ्रॉन भी है जो बिल्कुल कॉर्टेक्स और मेडुला के बॉर्डर में है, दैट नेफ्रॉन इज कॉल्ड एज जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ये जो नेफ्रॉन है इसका लूप ऑफ हेनले रिलेटिवली लॉन्गर है, लंबा है एज कंपेयर टू कॉर्टिकल। अब यहां पर दोबारा मैंने लिखा हुआ है कि जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है उसका लूप ऑफ हेनले शॉर्ट है और इसका लूप ऑफ हेनले जो है वो लॉन्ग है, ये मेडुला के अंदर डीप गया हुआ होता है। इसके अलावा कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो है इसमें फंक्शन वाइज भी इसमें दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो है नॉर्मल सिचुएशन में ये अपना रोल अदा करते हैं जब आपकी बॉडी के अंदर वाटर का लेवल जो है वो कम नहीं हो, नॉर्मल सिचुएशन में यूरिन बनाने में कॉर्टिकल नेफ्रॉन अपना रोल अदा करते हैं, और नॉर्मल बॉडी वाटर लेवल प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, ये कॉर्टेक्स में मौजूद है शॉर्ट लूप ऑफ हेनले, ये ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। जबकि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में ये नेफ्रॉन इसका रोल कब आता है, ये जब आपके बॉडी में पानी की कमी हो जाए तो उस कमी को पूरा करने के लिए ये नेफ्रॉन अपना काम करना शुरू करेगा, इसका नाम है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। वाटर को कंजर्व करने के लिए, कभी कभी बॉडी में वाटर कम हो जाती है तो उसको कंजर्व करने के लिए ये नेफ्रॉन अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। इस नेफ्रॉन का दूसरा काम यह है यूरिन को कंसंट्रेट करना, टॉपिक वही है कंजर्वेशन ऑफ वाटर। यूरिन को कंसंट्रेटेड मींस के यूरिन में पानी कम से कम निकल जाए, जब गाढ़ा यूरिन होगा तो उसमें पानी कम होगा और बॉडी का पानी जाया नहीं होगा। लूप ऑफ हेनले इसका लंबा है और ये काउंटर करंट मैकेनिज्म में ये नेफ्रॉन यूज होता है। आपको काउंटर करंट मैकेनिज्म नेक्स्ट लेक्चर में बता देते हैं। थैंक यू।